तो आज हम लोग बात करेंगे पाइल फाउंडेशन की। जो इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो आपकी पाइल फाउंडेशन होती है वो आपकी ऐसे ऐसी जगहों पे यूज होती है जहाँ पे जो सॉइल स्ट्रेटा जो होता है टॉप लेयर्स में जो है सॉइल स्ट्रेटा जो बहुत लूज होता है, ठीक है। जो आपकी सॉइल होती है वो कोहिजन लेस होती है, और उसके जो वो कोहेसिव कहाँ जाके होती है, जब काफी डेप्थ में आप उसको एक्सकावेट करोगे ना तब जाके आपको वहां पर उसको जो है वो कोहेसिव सॉइल्स मिलती हैं। मतलब क्या होता है, जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो है जहाँ बहुत डेप्थ में जाके हाई हो ना वहां पर हम अपनी पाइल फाउंडेशंस यूज करते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशंस आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स यूज्ड टू सपोर्ट कॉलम एंड ट्रांसफर लोड्स टू द अंडरलाइंग सॉइल। तो ये जो आपकी पाइल फाउंडेशंस होती हैं ये आपके ऐसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं जो कॉलम्स को सपोर्ट करते हैं। आप अगर अपने ब्रिज की बात करो तो उन कॉलम्स को सपोर्ट करते हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर है उनके कॉलम्स को सपोर्ट करके जो लोड है उसको इक्वली ट्रांसफर कर देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहाँ? सॉइल स्ट्राटा के ऊपर, हार्ड ग्राउंड के ऊपर। जो आपकी फाउंडेशन होती है आपकी दो टाइप्स की होती है, एक आपकी शैलो फाउंडेशन होती है, एक आपकी डीप फाउंडेशन होती है। शैलो फाउंडेशन में आपकी आइसोलेटेड फुटिंग आती है, कंबाइंड फुटिंग आती है, स्ट्रैप फुटिंग आती है और वॉल फुटिंग आती है। डीप फाउंडेशन में आपकी आती है कैजन फाउंडेशन और पाइल फाउंडेशन, ठीक है। व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज मोर देन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन देन इट इज टर्म्ड एज डीप फाउंडेशन। आपकी डीप फाउंडेशन कब बन, किसको कहते हो आप डीप फाउंडेशन? जब आपकी विड्थ जो होती है फाउंडेशन की वो उसकी डेप्थ से ज्यादा होती है, उसको आप डीप फाउंडेशन कहते हो। इफ द डिजायर्ड सॉइल बियरिंग कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल एट शैलो डेप्थ द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर इज टू बी केप्ट टू अ मोर डेप्थ। अब देखो, हम जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उससे पहले सॉइल बियरिंग कैपेसिटी जो है वो टेस्ट करते हैं कि जो सॉइल है वो कितना लोड में रेजिस्ट कर सके, ठीक है। तो अगर हम जब शैलो डेप्थ जब हमने थोड़ी सी खुदाई करी, अगर उस वक्त जो हमने सॉइल सैंपल टेस्ट किए उससे हमें जो है डिजायर्ड बियरिंग कैपेसिटी जो है नहीं मिली, उसके बाद हम क्या करते हैं फाउंडेशन को और डेप्थ पे ले जाते हैं, और ज्यादा एक्सकवेशन करते हैं सॉइल की, और हम फाउंडेशन को ऐसे स्ट्राटा पे ले करते हैं जो बिल्कुल डेप्थ में जाके होता है, और जो स्ट्राटा होता है बिल्कुल हार्ड होता है, तो वो स्ट्रक्चर का लोड जो है उसको बियर कर लेगा, ठीक है। द डीप फाउंडेशन आर क्लासिफाइड एज बिलो पाइल फाउंडेशन, कॉफर डैम्स एंड कैजन्स। जो कॉफर डैम में आपको पता है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है वो आप बनाते हो वाटर बॉडीज के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। जो कैजन है वो आपकी वेल फाउंडेशन है, जो आपकी वेल फाउंडेशन होती है वो भी आपकी डीप फाउंडेशन होती है, ठीक है। पाइल फाउंडेशन आर यूज एक्सटेंसिवली फॉर द सपोर्ट ऑफ बिल्डिंग्स ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर टू सेफली ट्रांसफर स्ट्रक्चर लोड टू द ग्राउंड एंड टू अवॉइड एक्सेस सेटलमेंट और लेटरल मूवमेंट। जो आपकी पाइल फाउंडेशन होती है उनका क्या रोल होता है कि वो बिल्डिंग्स को सपोर्ट करें, ब्रिजेस को सपोर्ट करें, और जो भी उनपे लोड आ रहा है उस लोड को वो ग्राउंड पे जो है ट्रांसफर कर दें बिना किसी सेटलमेंट के, विदाउट एनी सेटलमेंट ऑफ द सॉयल एंड द स्ट्रक्चर। They are very effective in transferring structural load through weak or compressible soil layers into the more component soil and rocks below. तो हम उनको ऐसी जगह पे यूज करते हैं जैसे जहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया था सॉइल की जो है बियरिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है, तो क्या होती है जो वीक सॉइल होती है उसके बाद क्या होता है जो कंपोनेंट सॉफ्ट सॉइल जो सबसे नीचे जो सबसे हार्ड स्ट्राटा होता है ना उस पे जो अपने लोड को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फैक्टर्स इफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ पाइल, कौन किस बेसिस पे आप सिलेक्ट करते हो कि आपको कौन सी पाइल फाउंडेशन जो है वो डालनी है, क्योंकि पाइल फाउंडेशन के भी आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला नेचर ऑफ स्ट्रक्चर, किस नेचर का बन रहा है, लोडिंग कंडीशंस कैसी रहेंगी, आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं, मटीरियल्स और इक्विपमेंट्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं, टाइप्स सॉइल क्या टाइप क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल कितना है, सेल्फ वेट जो पाइल का खुद का वेट है वो कितना है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइल कितनी ड्यूरेबल है आपकी पाइल, कॉस्ट कितनी है आपकी पाइल की, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगी, लेंथ ऑफ पाइल कितनी हमें चाहिए, नंबर ऑफ पाइल्स हमें कितनी चाहिए होंगी, और पाइल ड्राइविंग के लिए हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, पर प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड अदर मटेरियल इन द सॉइल दैट विल इंजर द पाइल। हमें ये भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि अगर कोई एसिड या कोई और मटेरियल सॉइल में आपको मिलता है तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो पाइल है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी।
तो पाइल फाउंडेशन हम बात करेंगे, ये एक सिलेंडर स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कंक्रीट का भी होता है, स्टील का भी होता है या वो टिम्बर का भी होता है। इट इज इंस्टॉल्ड इन द ग्राउंड टू ट्रांसफर द स्ट्रक्चरल लोड्स टू सॉइल एट सम सिग्निफिकेंट डेप्थ बिलो द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर। हम एक डेप्थ में जाके इन सिलेंडर मेंबर्स को जो है वो इंसर्ट कर देते हैं हम सॉइल के अंदर, ताकि जो भी, और जो कॉलम्स है देखो इनके ऊपर कॉलम्स बने हुए हैं, तो ये जो लोड है पूरे स्ट्रक्चर्स का कॉलम्स के थ्रू इन पाइल फाउंडेशंस पे जो है ये चला जाता है, और ये जो पाइल फाउंडेशन है ये इस सारे लोड को जो है नीचे ले जाके हार्ड स्ट्रेटा पे जो है वो रिलीज कर देती है। ठीक है, अगर हार्ड स्ट्रेटा नहीं होगा तो जो आपकी नॉन कोहेसिव सॉइल्स हैं वो उनके जो पार्टिकल्स है वो तो वैसे ही बहुत लूज होते हैं, तो ये क्या होगा आपका स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, पाइल फाउंडेशन की हम बात करते हैं, तो आपकी पाइल फाउंडेशन किस तरह से दिखती है ये देखो, ये तीन पाइल्स आपकी लगी हुई हैं, ये वीक सॉइल के साथ आपकी पाइल्स जो हैं यहाँ पे हमने डेप्थ में इनको इंसर्ट किया। ठीक है, उसके ऊपर हम इनकी पाइल कैप लगा देते हैं लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो। राइट साइड पे आप देखोगे तो आप देखोगे हार्ड रॉक है नीचे, ठीक है, उसके ऊपर हमने पाइल जो है वो इंसर्ट की हुई है, उसके ऊपर हमने पाइल कैप लगाई हुई है, पाइल कैप के ऊपर हमने अपना कॉलम कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, और कॉलम के ऊपर जो लोड है वो आपके स्ट्रक्चर का वो वहां पर आएगा। फंक्शन ऑफ पाइल्स, एज विद द अदर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन द पर्पस ऑफ पाइल फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट अ फाउंडेशन लोड टू अ सॉलिड ग्राउंड। जो आपका फाउंडेशन होती है पाइल का भी वही वर्क होता है कि जो भी फाउंडेशन का जो लोड आता है फाउंडेशन पे उसको वो ग्राउंड पे जो है पहुंचा दे, और ये वर्टिकल और लेटरल अपलिफ्ट लोड जो है उनको भी ये कंट्रोल कर सके। पाइल्स आपकी या टिम्बर की बनती है, कंक्रीट की बनती है, स्टील की बनती है, या वो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्पोजिट होती है वो। ठीक है, दो मटेरियल्स की एक पाइल बनती है। फिर यूजेस ऑफ पाइल्स आपके आते हैं, The load of the superstructure is heavy and its distribution is uneven. ऐसी जगह जहां पे आपके लोड जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वहां पर आप इनको यूज कर सकते हो। ठीक है, द टॉप जो आपकी सॉइल है उसकी टॉप मोस्ट जो लेयर है उसकी पुअर बियरिंग कैपेसिटी है, द सब सॉइल वाटर इज हाई सो दैट पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर ट्रेंचेस एंड अनइकोनॉमिकल। अच्छा, अब आपका सब सॉइल वाटर है अगर वो हाई है तो उसको पहले, अगर आप वहां पे कोई और फाउंडेशन वहां पे अगर आप ले करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, पहले आप उस वाटर को पंप आउट करोगे, तो वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और एक वो बहुत ही अनइकोनॉमिकल है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसकी जगह जो है हम पाइल फाउंडेशंस जो है वो उनको यूज कर लेते हैं। देयर इज अ लार्ज फ्लक्चुएशन इन सबसॉइल वाटर लेवल, आपका जो सबसॉइल वाटर लेवल है वो कभी ऊपर आ जाता है कभी नीचे आ जाता है, तो ऐसी जगह पे भी आप पाइल फाउंडेशन जो है उसे यूज कर सकते हैं। योर टिम्बरिंग टू द ट्रेंचेस इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, जो ट्रेंचेस बनाने के लिए जो आपको लकड़ी चाहिए होती है अगर वो वहां पे कॉस्टली है तो वहां पे आप पाइल फाउंडेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। ट्रेंचेस आपको पता है जो आप गड्ढे खोदते हो। द स्ट्रक्चर इज सिचुएटेड ऑन सी शोर और रिवर बेड वेयर देयर इज डेंजर ऑफ स्कॉरिंग एक्शन ऑफ वाटर। अगर जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपके सी शोर पे है या ऐसे वाटर बॉडीज के पास है जहाँ पे आपको जो वाटर के जो सॉइल के जो पार्टिकल्स है उनको स्कॉरिंग का वो स्कॉरिंग मतलब उनके रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की अगर वहाँ पे इशू रहता है तो वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन जो है इनको यूज कर सकते हैं। कैनाल और डीप ड्रेनेज लाइन एग्जिस्ट नियर द फाउंडेशन, अगर कोई भी आपके कैनाल या डीप ड्रेनेज है, क्योंकि क्या होगा उनसे जो पानी सीप होके आएगा इन फाउंडेशन पे, तो ऐसी जगहों पे हम क्या कर सकते हैं पाइल फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं। द टॉप सॉइल इज ऑफ एक्सपेंसिव नेचर, आपकी जो टॉप सॉइल है वो एकदम से फूल जाती है, उसके पार्टिकल्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। पाइल्स आर यूज्ड फॉर द फाउंडेशंस ऑफ ट्रांसमिशन टावर्स ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर सब्जेक्टेड टू अपलिफ्ट फोर्स, ऐसे ट्रांसमिशन टावर्स जिनके ऊपर अपलिफ्ट प्रेशर लगता है वाटर का वहां पर आप क्या करते हो पाइल फाउंडेशंस है आप वहां पर यूज करते हो। टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन मटीरियल, जो आपके पाइल्स है मटेरियल के बेस पे कौन कौन से होते हैं, टिम्बर पाइल्स हैं आपकी, कंक्रीट पाइल्स हैं, कंपोजिट पाइल्स हैं, स्टील पाइप्स हैं और सैंड पाइल्स हैं। टिम्बर पाइप फर्स्ट वन, सेकंड नंबर पे आपकी स्टील पाइप्स हैं, इस तरह से दिखती हैं, और जो आपकी स्टील पाइप हैं उनके एज सेक्शन में भी होती हैं, फिर आपकी कंक्रीट पाइप्स आती हैं, फिर आप पाइल्स आती हैं, फिर उसके बाद प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल्स आती हैं जो पहले से ही आपके पास बन के पूरा का पूरा एज इट इज अब लेके आते हैं और फिर इनको हम इंसर्ट करते हैं सॉइल के अंदर। कंपोजिट जो है वो कॉम्बिनेशन होता है स्टील का और इसका आपके कंक्रीट का। टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन मेथड्स, जो उनको हम ड्राइव किस तरह से करते हैं उस बेस पे,
driven and cast in situ piles, bored and cast in situ piles.